गरीब लड़की की दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां और सब शानो शौकत का सामान था। उसके पास गरीब लोगों को बहुत ज्यादा सूद यानी ब्याज पर कर्जा देना उसका धंधा था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्योहार या ब्याह शादी के मौके पर उस साहूकार से कर्जा ले लेते थे। जब फसल अच्छी होती तो थोड़ा थोड़ा करके उतारने लगते, लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ता तो कर्ज तो छोड़ो, गांव वाले सूद तक नहीं दे पाते थे। इसी का फायदा उठा वो साहूकार, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता, कब्जा कर उन्हें बेच देता और खूब पैसे कमाता। इस धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद करता। दोनों बाप बेटा हर समय किसी ना किसी गरीब की जमीन हड़पने की योजना ही बनाते रहते। एक दिन शहर से एक व्यापारी आया और साहूकार से गांव में जमीन खरीदने की इच्छा बताई। साहूकार की खुशी का ठिकाना ना रहा, घर बैठे बिठाए जमीनों का ग्राहक मिल गया। साहूकार ने उस व्यापारी को बहुत सी जमीनें दिखाई जो उसने कर्जे के बदले गांव वालों से हथिया ली थी, लेकिन उस व्यापारी को कोई भी जमीन पसंद ना आई। गांव में घूमते हुए व्यापारी को एक जमीन का टुकड़ा पसंद आया। उसने साहूकार से उस जमीन के बारे में पूछा तो साहूकार सोच में डूब गया। असल में वह जमीन तो एक दिन माँ बाप की लड़की की थी जो वहाँ पर रहती थी। उस लड़की के माँ बाप ने साहूकार से 20,000 रुपए कर्ज लिया था, मगर उसे चुकाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। बेसहारा लड़की की हालत देख गांव की पंचायत ने साहूकार से उस जमीन पर कब्जा न करने को कहा। भला पंचायत की बात कैसे टाल सकता था साहूकार, मगर दिल में हमेशा ही उस जमीन पर कब्जा करने की बात सोचता रहता था। आज व्यापारी की इच्छा सुन उसका लालच बाहर आ गया था और उसने जमीन पर कब्जे का मन बना लिया। कर्जे के सारे कागज ले वह उस लड़की के घर पहुंचा और कर्जा वापस करने की बात कही। जब लड़की ने अपनी दुर्दशा बताते हुए और समय मांगा तो साहूकार ने कब्जा करने की धमकी दी। कब्जे की धमकी सुन वह लड़की पंचायत के मुखिया के पास गई और उसकी जमीन को बचाने की दुहाई लगाई। सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि साहूकार उस बेसहारा लड़की की जमीन पर कब्जा करने वाला है। यह बात उड़ते उड़ते साहूकार की बेटी के कान में पड़ी। अपने पिता के लालच की बात सुन उसके मन में बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन साहूकार को तो सिर्फ बहुत बड़ा मुनाफा ही दिख रहा था। उसे बेसहारा लड़की की दुर्दशा या अपनी बेटी की निवेदन का कोई असर न हुआ और उसने उस जमीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया। साहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि उस लड़की की जमीन पर कब्जा न होने देगी, पर अपनी एक न चलती देख उसके दिमाग में एक योजना सूझी। अगले दिन सुबह सुबह वह बेसहारा लड़की और उसके साथ दो लोग साहूकार के घर पहुंचे और कर्ज की 5,000 की किस्त दे दी। साथ में यह भी कहा कि 3-4 महीनों में कर्ज के बाकी रुपए भी उन्हें मिल जाएंगे। रुपया देने के बाद रसीद ले सब चले गए, चूंकि अब किस्त मिल गई थी इसलिए पंचायत ने भी कब्जा नहीं करने दिया। साहूकार बहुत परेशान था कि आखिर उस लड़की के पास इतना सारा रुपया कहां से आया। कल तक तो वह दाने दाने को तरसती थी और आज 5,000 रुपया दे गई कुछ भी ना समझ आने पर। उसने गांव वालों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई भी रुपयों के बारे में नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद वह लड़की फिर दो गांव वालों के साथ आई और कर्ज की बाकी रकम चुका कर रसीद और कर्ज के सारे कागज ले लिए। साहूकार परेशान हो गया कि आखिर इस लड़की के पास इतना धन आया कहां से। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन साहूकार को खबर मिली कि उस बेसहारा लड़की ने अपनी जमीन बेच दी है। कुछ कर तो सकता नहीं था, लेकिन उत्सुकतावश जाकर देखा तो चौंक गया। जमीन पर एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर जमीन के मालिक का नाम देख साहूकार की मानो सांसें रुक गई हो। मालिक के नाम के आगे लिखा था उसकी अपनी बेटी और उस लड़की का नाम। वह दौड़ा हुआ घर गया और बेटी से पूछा कि यह क्या तमाशा है। तब उसकी बेटी ने उसे बताया कि उस गरीब लड़की की मदद के लिए उसने अपने सारे गहने बेच डाले ताकि उसकी जमीन आपके कब्जे से बच सके, लेकिन जमीन आपसे छुड़ाते ही उस बेसहारा लड़की ने उदारता दिखाते हुए आधी जमीन मेरे नाम कर दी। बेटी ने उसे समझाया कि आप तो उस लड़की का आखिरी सहारा भी छीन रहे थे, मगर उस लड़की का बड़प्पन तो देखो, उसने जमीन छुड़ाते ही मेरे गहनों के बदले अपनी आधी जमीन मुझे दे दी। यह सब सुन साहूकार को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने भविष्य में कभी किसी की जमीन न हड़पने का वचन दिया।